ਐਂਡਾ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਡੋਲ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ मेरी घर की डेथ हो गई एडी जोर की बस तेज नहीं लिया डी सैड मारी है सू छोड़ दिता तो बस लंघ गई जान ही निकल गई मैं कि मैं वेखना की मैं करना मौके तो पहुंचा मैं तो बस जी है रोडवेज मोटरसाइकिल एक्सीडेंट होया वा तो जी लेडी है वो पैसे मंगा बस का पता लगा वो तफ्तीश जी हम अमृतसर जा रही है। गुरदासपुर के मंडी चौंक च एक दर्दनाक हादसा वापरिया जिथे एक पंजाब रोडवेज की बस की मोटरसाइकिल सवार पति पत्नी नूं साइड लगन नाल डिग गए अते इस हादसे दौरान बस के पिछले टायर हेठा आउण नाल महिला की मौके ते ही मौत हो गई। फिलहाल मौके ते पहुंचे पुलिस अधिकारी ने बस नूं कब्जे विच लै लिया है अते बस का ड्राइवर मौके तो भज्जन विच कामयाब हो गया। पुलिस ने महिला की मृतक देह नूं पोस्टमार्टम दे लई भेज दिता है अते मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इस घटना संबंधी जानकारी देंदे हुए मृतक महिला नीता दे पति रूपा मसीह ने दस्या कि वह संगलपुरा रोड दे रहन वाले हन अते उसकी पत्नी की तबीयत ठीक ना होने कारण वह दवाई लैके वापस घर नूं जा रहे सन अते जद वह मंडी रोड बुत्ता वाली गली नेड़े पहुंचे तो पिछों दी आ रही एक रोडवेज की बस ने उन्हां नूं साइड मार दिती जिस नाल उसके मोटरसाइकिल का संतुलन विगड़ गया अते मोटरसाइकिल डिगण नाल उसकी पत्नी बस के पिछले टायरां दे हेठां आ गई जिस नूं तुरंत लोगों की मदद नाल गुरदासपुर के सिविल अस्पताल विखे पहुँचाया गया जिथे डाक्टरां ने उस नूं मृतक घोषित कर दिता। उन्हां दस्या कि हादसे तो बाद बस का ड्राइवर अते कंडक्टर मौके तो फरार हो गए अते मौके ते पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने बस नूं कब्जे विच लै लिया है अते उन्हां मंग कीती है कि बस के ड्राइवर खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस हादसे संबंधी जानकारी देंदिया मौके ते पहुंचे एएसआई सतपाल दस्या कि उन्हां नूं सूचना मिली सी कि बस हेठां आउण नाल एक औरत जख्मी हुई है अते उह मौके ते पहुंचे हन बस नूं अपने कब्जे विच लै लिया है अते जांच पड़ताल शुरू कर दिती। बस का ड्राइवर मौके तो फरार हो गया है। उन्होंने दस्या कि यह बस पंजाब रोडवेज बटाला डिपू की है डिपू में भी सूचना दे के अगली बनती कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ना मेरा रूपा मसीह आ पिंड मेरा विरके आ कहिंदी मेरे पहला बुखार होया ही ते इसे दाखल कराई हुण इत्थों गए ते दो तीन दिन होए कहिंदी मेरे गुट बड़े पीड़ करदे मेरे गोडे बड़े पीड़ करदे मोढे ते मैं ते सगों घर का काम भी नहीं करन दिंदा मैं चल रोटी पका ला बाकी मैं कर देना तेनू भांडे आ मांजे ने सारा बड़ा मांजदे ने क्योंकि आप एक दूजे तो बगैर नहीं तेरी एक मिनट भी अपने पेके भावें विह बरात चढ़ दी जो मैं आ जाऊंगा तो उन्हें भी आ जाना एक मिनट भी मेरे पास कि सब्जी लैन भी जाना कट्ठे जाना ये पठानकोट रोड से अभी वो टेस्ट करा के आ रहे हैं तो उसे आलू कंडे दुकान है बड़ी तगड़ियाँ ये आई है बस से इन्हें पता नहीं कदा का कट मारिया अं आवन भी अपने छे हैंडल के नाल बज गई हैंडल जो नाल बजा तो मोटरसाइकिल डोल के डिग गया वो थले आ गई मैं साइड से डिग गया थले आ गई ड्राइवर का मैं तो मैं वेख्या ही नहीं हिसाबता भी नहीं वेख्या मैं तो मैंने तो जो मेरी जान ही निकल गई तो मैं कि मैं कि वेखना की मंग करना ही मंग करने फिर ड्राइवर के उत्ते कार्रवाई होए मेरी घर की डेथ हो गई उन्हें एड्डी जोर की बस तेज नहीं लिया डी उन्हें सैड मारी है सू छोड़ दिता तो बस लंघ गई उम्र उन्होंने 40 साल ही बच्चे मेरे दो ब्याह वाले एक ब्याह आया कुड़ियाँ मेरिया एक मिनट नहीं दिखा उस बगैर तलाह मिली है थाने मुख्यमंत्री थाना सिटी गुरदासपुर तो यह बत्तां वाली गली के लागे एक्सीडेंट होया वा तो मौके पर पहुंचा मैं तो बस जी है रोडवेज से मोटरसाइकिल एक्सीडेंट होया वा तो बीजी तो जी लेडी है वो टायर टू लंघ गया बस का पता लगा तो तफ्तीश जी हूँ गांह अमल में ली जा रही है बस कब अजे नहीं पता लगा जानकारी बस वाला मौके तो भज गया जी बटाला डिपू रोड है जी ये जानकारी अजे मदई पार्टी को हासिल करी बाकी है एक्सीडेंट ही लगता है
कोई लापरवाही है किसी की, ड्राइवर की लापरवाही, लापरवाही हॉस्पिटल लैके गए, मैं जानकारी नहीं है कि हफ्ता लैके गए जी। बस कब्जे से ड्राइवर पुलिस लाइन तो मंगा के तो बस कब्जे से लैन लगे हैं, ले ली है। तो उस तो बाद कार्रवाई जो कोई एम्बल कोई किट आती है हस्पताल तो पता लगता भी कि हस्पताल दाखिल है बीबी, वो मुताबिक फिर किट हासिल करके कार्रवाई अमल चलिए जी।